क्योंकि अब ममता बनर्जी का ये बड़ा फैसला है। ऐसे में इस पूरे इलाके की अगर बात करें, किस तरीके से सियासी समीकरण अब आप आगे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही एक बड़ा ऐलान है ममता बनर्जी की तरफ से, और ये टैक्टिकल मूव कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बातें ऐसे हो रही थी कि बीजेपी को उत्तरी बंगाल में बीजेपी को लीड मिला है, लेकिन दक्षिण बंगाल में अगर बीजेपी को किसी भी तरह से तृणमूल कांग्रेस को सेध लगानी है तो दक्षिण बंगाल में अच्छा रिजल्ट करना बहुत जरूरी है। और बीजेपी का संगठन, बीजेपी का नेतृत्व को ये लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के पार्टी से जुड़ने से एक डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है दक्षिण बंगाल में, स्पेशली ईस्ट मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, ये सब जगह में, क्योंकि यहाँ पे मिदनापुर में बीजेपी का उतना बड़ा संगठन था नहीं। अब शुभेंदु अधिकारी के जाने से उसके साथ साथ एक संगठन बन चुका है, उसको सीधा सीधा चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि उनको भी पता है पूर्वी और पश्चिम मिदनापुर ये सब जिला मिला के 30 से 40 जो सीट है वो सीट काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और तृणमूल कांग्रेस को अगर सत्ता में वापस आना है तो दक्षिण बंगाल का जो तृणमूल का गढ़ माना जाता है उसमें भारी बहुमत में तृणमूल कांग्रेस को सीट लाने की जरूरत है, और यही कारण है कि कोलकाता के भवानीपुर सीट छोड़ के ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी, ताकि जो शुभेंदु फैक्टर है उस फैक्टर को किसी ना किसी तरह से नलीफाई किया जा सके, क्योंकि आप सब मान सकते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, पार्टी के लीडर है, और सबसे बड़ा कद्दावर नेता इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी ही है, तो उसके खिलाफ दिखाने के लिए बीजेपी के पास इस वक्त कोई चेहरा नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी में अंदरूनी पॉलिटिक्स भी जारी है। हम कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि किस तरह से कल की मीटिंग में सौमित्र खान, जो युवा मोर्चा के चीफ है, उनको फटकार पड़ी थी ये कहते हुए जब उन्होंने कहा कुछ दिन पहले कि दिलीप घोष ही होंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार बीजेपी की तरफ से, और सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप ने उनको काफी इसके लिए डांट पड़ी थी उनको। तो बीजेपी अभी भी ये चॉइस नहीं कर पाई कि उनके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होंगे, और ममता बनर्जी खुद सामने से लीड कर रही हैं अपने पार्टी को, और यही कारण है कि वो दिखाना चाहती है कि नंदीग्राम से लड़के, जो नंदीग्राम बहुत ही सिंबॉलिक है, ये ममता बनर्जी के जिंदगी में और जो पॉलिटिकल करियर है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है सिंगूर और नंदीग्राम, और वही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने सीधा, आप कह सकते हैं, एकदम सामने से आगे बढ़कर स्टेप आउट करते हुए खेलने की कोशिश की है। इंद्रजीत, बड़ी बात देखिए यहाँ पर यह भी रहेगी, क्योंकि कहाँ तो एक ही टेबल पर बैठकर इस पूरे इलाके की रणनीति तैयार होती थी कि किस तरीके से चुनाव में उतरना है, चुनावी रणनीति कैसी रहेगी, लेकिन अब यहाँ पर सामने जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पूरा परिवार है, जिनका अच्छा खासा पूरा कब्जा इस पूरे इलाके में माना जाता है, गढ़ है उनका, वहां पर ममता बनर्जी जब टक्कर देंगी, हम स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी को कहते हैं, तो वहां पर जब ममता बनर्जी सामने होंगी तो ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी किस तरीके से होगा और किसका पलड़ा फिलहाल आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लग रहा है कि भारी है। देखिए, ये तो साफ हो गया है, जब शुभेंदु अधिकारी को सबसे बड़ा लीडर प्रोजेक्ट किया जा रहा था इस एरिया में, और आप देख सकते हैं जितने भी तृणमूल से बीजेपी में लोग आए हैं उनमें से सबसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा था शुभेंदु अधिकारी को, उसी तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। खुद अमित शाह पश्चिम बंगाल आए और वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी की ज्वाइनिंग हुई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तृणमूल से जितने भी लोग बीजेपी में गए, शोभन चैटर्जी हो या मुकुल रॉय हो, सभी ने दिल्ली में हेडक्वार्टर में जाके ज्वाइनिंग की, लेकिन बीजेपी को मालूम है कि शुभेंदु अधिकारी का इम्पोर्टेंस कितना है, सिग्निफिकेंस कितना है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर आके शुभेंदु अधिकारी को इंडक्ट किया गया था, पार्टी में ज्वाइन कराया गया था। तो आप मान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस, कितना भाव शुभेंदु को दे रही है, क्योंकि तो बीजेपी को पता है कि शुभेंदु अधिकारी के जरिए पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया, ये जो एंटायर जंगल महल के एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर हुआ करते थे तृणमूल पार्टी के लिए। अब जब वो बीजेपी में चले गए हैं तो एक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन तोड़ के तृणमूल से वो बीजेपी के साथ जुड़ सकता है और उसका फायदा मिल सकता है। ममता बनर्जी ने उसी पर डायरेक्ट अटैक बोल दिया है, ये कहते हुए, ऐलान करते हुए कि वो खुद नंदीग्राम से लड़ेंगे, और आप मान के चल सकते हैं कि जो जितने भी मोराल है, जो मनोबल है पार्टी के कर्मियों का उस इलाके में, वो इससे काफी ज्यादा बूस्ट होगा, और बीजेपी को, तृणमूल कांग्रेस को माफ कीजिएगा, बहुत ही एक एडवांटेज मिलने वाला है इस जंग में, इस लड़ाई में। बिल्कुल,
इंद्रजीत नजरा बना रखे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए इंद्रजीत कुंडू हमारे से भी जानकारी रहते हैं। तो ये बड़ी खबर जिस पर नजर लगातार आज तक की बनी हुई, नंदीग्राम से खुद चुनावी मैदान में उतरेंगी ममता बनर्जी। आज की रैली में तमाम बातों के साथ साथ चलते चलते इस बात का भी ऐलान कर दिया, शक्ति प्रदर्शन, और साथ ही साथ खुद इस बात का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगी, खुद चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर से नहीं, इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में ममता बनर्जी खुद होंगी, ये ऐलान उन्होंने किया है।